बेटा तू जा कोई भी आ जा। पहले किडनैप किया, फिर मोटी रकम की मांग की गई, फिरौती से पहले बच्चे की ली गई जान। मीरा भाईंदर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 3 दिन पहले की घटना है, जब एक 13 साल का बच्चा स्कूल से लौटने के बाद खेलने के लिए गया हुआ था। काफी समय बीत जाने के बाद जब बच्चा घर नहीं लौटा, जिसके बाद खोजबीन की शुरुआत की गई, हर जगह उस बच्चे की तलाश की गई, और जब बच्चा नहीं मिला तो माता पिता को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, वो है कानून का रास्ता। और कानून का रास्ता अपनाते हुए बच्चे के माता पिता ने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में पहुंचकर बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, और फिर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिसकी मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्हें अपना बिजनेस चालू करना था, जिसके लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी। इसमें जो विक्टिम है वो माइनर है, 13 साल का लड़का है, जो अपने घर के एरिया में घूमने के लिए आता था शाम को। वहाँ पे जो आरोपी एक्यूज्ड है अफजल, उसने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई। अफजल और सेकंड एक्यूज्ड है इमरान, दोनों कुछ काम धंधा करते नहीं थे। अफजल को पैसे की जरूरत थी, उसे खुद का सैलून डालना था, और इमरान जो है उसे खुद का गैरेज डालना था। दोनों को पैसे की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने 4-5 महीने पहले ही प्लान बनाया था कि किसी निकाधे बच्चों को हम किडनैप करेंगे और फिरौती की रकम उससे मांगेंगे और पैसे कमाएंगे। इसको चलते हुए इन्होंने जब विक्टिम को देखा तो अफजल ने पहले उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। जिस दिन घटना हुई है 31 तारीख को, उस दिन उसे वो साथ में लेके आया, साथ में लेके उसने इमरान को साथ में लिया। मोटरसाइकिल पे दोनों वसई के डायरेक्शन में गए, वहाँ पे जो वासाड़ा ब्रिज है वहाँ से उस लड़के को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि लड़का मर गया होगा, बट जब लड़का लंगड़ाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तब आरोपी नीचे गए, उन्होंने जो साथ में चाकू लाया था उससे उसके पेट में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी जब रिटर्न आए तो बच्चे के, जो नाबालिग बच्चा है, उसके रिलेटिव्स उसे ढूंढ रहे थे। आरोपियों को भी वो मिले, उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए, और आरोपी ने उनके रिलेटिव्स को ये कहा कि अगर मुझे कुछ भी खबर मिलती है तो मैं आपको इत्तला करूँगा। बाद में जब सब चीज़ें शांत हो गई, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, FIR रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन इसकी गंभीरता समझते हुए डिटेक्शन ब्रांच की जो हमारी टीम है काशीमीरा पुलिस स्टेशन की, वो तुरंत एक्टिव हो गई। उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसमें से जो फर्स्ट एक्यूज्ड है अफजल को उसके गैरेज से अरेस्ट किया, उससे मिली जानकारी से इमरान को अरेस्ट किया। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी, गाड़ी, सिम कार्ड विक्टिम का था, मोबाइल फ़ोन एक्यूज्ड का था, सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पल्सर मोटरसाइकिल और चाकू, इसको हस्तगत किया गया है। आरोपियों को रिमांड में 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो कोर्ट से मिली है।